नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए जानते भी जाऊं कि कुछ बड़ी खबरों को। टीवी इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। जानी मानी एक्ट्रेस भैरवी वैद का निधन हो गया है। 67 साल की एक्ट्रेस की मौत की खबर उनकी कोस्टार सुरभि दास ने कंफर्म की है। दोनों ने सीरियल नीमा डेंजोपा में साथ काम किया था। सुरभि ने भैरवी वैद की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने सीरियल नीमा डेंजोपा की सेट पर भैरवी के साथ शानदार वक्त बिताया था। एक्ट्रेस की मौत ने शो की स्टार कास्ट को स्तब्ध कर दिया है। हर कोई भैरवी को याद कर इमोशनल हो रहा है। उनके साथ बीते अच्छे लम्हों को याद कर गमगीन हो रहा है। एक बार फिर ओटीटी की शेरनी अपने पंजे गाने के लिए वापस आ रही है। उसकी राह मुश्किल है, उसके पीछे कई दुश्मन हैं, लेकिन ये शेरनी अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतने से आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। जी हाँ, हम सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या की ही बात कर रहे हैं। इस शो के सीजन 3 का इंतजार फैंस को बेसब्री से था और अब इसका ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में आप आर्या और उसके बच्चों को देखेंगे। इस बार देसी माफिया बन चुकी आर्या अपने ड्रग्स का कारोबार आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। उसके पीछे देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी पड़े हुए हैं। सभी शेरनी को पकड़कर उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आर्या हार मानने वालों में से नहीं है। रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। शो ने 14 कंटेस्टेंट के साथ अपना सफर शुरू किया था। एक एक कर खिलाड़ी छटते गए और अब जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 13 को अपना विनर मिलने वाला है। खतरों के खिलाड़ी 13 का ग्रैंड फिनाले 14 अक्टूबर को टेलीकास्ट किया जाएगा। इससे पहले शो के प्रोमो रिलीज किए जा रहे हैं। हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 13 के कुछ नए प्रोमो जारी किए गए हैं, जिसमें रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट को बुरी तरह से रोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का हर कोई बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच अब डायरेक्टर मेघना गुलजार की इस मूवी का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर को देखने के बाद आपके अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठेगी। इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानिकोशा के किरदार में विकी काफी जच रहे हैं। आपको बता दें, इसे देखने के बाद इस मूवी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई हो गई है। सैम बहादुर का टीजर सामने आने के बाद अब हर तरफ इसकी चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं सैम बहादुर के शानदार टीजर पर। बीते दिन पहले सैम बहादुर के मेकर्स की ओर से ऐलान किया गया था कि 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सैम बहादुर का टीजर का रिलीज किया जाएगा। इसके आधार पर आज मेकर्स ने विकी कौशल की इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। सैम बहादुर के इस लेटेस्ट टीजर में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल रहे सैम मानिकोशा के रोल में विकी कौशल काफी जच रहे हैं। शाहरुख खान की पठान और जवान के बाद फैंस उनकी फिल्म जंकी के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म दिसंबर में क्रिसमस के खास मौके पर इस साल प्रभास की सालार से टक्कर लेने वाली थी। हालांकि अब शाहरुख खान की जंकी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शाहरुख खान और तापसी पन्नू स्टारर डंकी 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि ऐसे बज है कि शाहरुख खान की डंकी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है, जिससे प्रभास की फिल्म सालार को सिंगल रिलीज मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि डंकी की रिलीज डेट इस वजह से आगे बढ़ रही है क्योंकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के काम में थोड़ी देरी हो रही है।